हाय एवरीवन, आज मैं लेकर आई हूँ आंध्रा स्टाइल भरवा मसाला बैगन की रेसिपी। ये ना मैं आज प्योर आंध्रा स्टाइल बनाऊँगी, तो इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। सबसे पहले इसका मैं मसाला बनाऊँगी, तो उसमें मैंने एक चम्मच नमक, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, एक चम्मच धनिया की पाउडर और हाफ काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा पानी देके इसमें मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। मुझे एक पेस्ट चाहिए, तो मैं इसका एक अच्छे से पेस्ट बना लेती हूँ मिक्स करके। अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब नेक्स्ट स्टेप में बैंगन काट लेते हैं, तो मैंने 250 ग्राम बैंगन लिया है। इसे मैं इस टाइप से कट कर रही हूँ। कट करने से पहले एक बार आप चेक कर लीजिएगा कहीं इसमें कीड़ा तो नहीं है। तो मैं चार बैंगन से बना रही हूँ। मैं सारे बैंगन को इसी तरह कट करके इसके अंदर का कीड़ा देख लूँगी। चलिए अब इसे हम इसके अंदर सारे मसाले को अच्छे से फिल कर लेते हैं। अच्छे से अंदर तक फिल करिएगा इस टाइप से। देखिए इस टाइप से हमें सारे बैंगन में मसाला लगा लेना है। अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच के करीबन तेल डाला है। तेल हमारा जैसे ही गर्म हो जाएगा एक एक करके हम सारे बैंगन डाल देंगे और बैंगन को फ्राई करना शुरू करेंगे मीडियम फ्लेम में। 2 मिनट तक के लिए ही हम इसे फ्राई करेंगे अलट पलट करके। अब थोड़ा सा ढक लें इसे 1 मिनट के बाद, फिर हम इसे चेक कर लेंगे। देखिए बैंगन हमारा बिल्कुल फ्राई हो चुका है। हमें इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस मसाला का कोटिंग इसमें लग जाए। चलिए अभी इसे बाहर निकाल लेते हैं। सारे बैंगन को इसी तरह बाहर निकाल लें। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ मैं एक अलग कढ़ाई लूँगी। अब उसमें मैंने 2 बड़े चम्मच ऑयल डाला है। मैं सरसों तेल का यूज़ कर रही हूँ। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाए उसमें मैं 2 सूखे लाल मिर्च और सरसों के दाने डाल के थोड़ा सा हिला लूँगी। और नेक्स्ट मैं यहाँ पे करी पत्ता डालूँगी। आंध्रा स्टाइल बैंगन हो और करी पत्ता ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, तो करी पत्ता ज़रूर डालें। अब नेक्स्ट मैं एक चॉप प्याज करके डाल रही हूँ। उसे अच्छे से मिला लें। नेक्स्ट मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ, 1 चम्मच के करीब है ये। अब नेक्स्ट इसमें मैं 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच नमक और 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर डालकर इस मसाले को भून लेंगे। कुछ सेकंड तक इसे भूनना है। अब नेक्स्ट में ना इसमें हम 2 टमाटर प्योरी डाल रही हूँ। 2 टमाटर को इसमें मिक्सर में पीस के मैंने इसे प्योरी बना लिया था। इसे डाल दें इसमें और फिर से 1-2 सेकंड अच्छे से मिक्स कर लें। मसाले को अच्छे से भूनना है। अब नेक्स्ट में मैं ऐड करूंगी इमली का पानी। ये ज़रूर डालिए, अगर इमली ना हो तो आप नींबू डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 चम्मच गुड़,
इसे डालने से इस करी का टेस्ट बहुत बढ़ जाएगा, तो ज़रूर डालें। अगर आपके पास गुड़ ना हो तो आप थोड़ा सा शक्कर चीनी डाल सकते हैं। अब इसे एक मिनट के लिए अच्छे से भून लें। मसाला अच्छे से पक चुका है, अब हम इसमें ना 4 बड़े हरी मिर्च डाल देंगे और कटे हुए प्याज। अगर आपके पास बड़े हरी मिर्च नहीं है ना तो आप छोटे हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। अब इसे थोड़ा सा ढक के 1 से 2 मिनट तक पका लेंगे। 1 से 2 मिनट हो चुके हैं, मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें हम बैंगन डाल देंगे जो मैंने स्टार्टिंग में फ्राई किया था। चारों को इसमें डाल दें। अब इसमें ना 1/2 कप पानी ऐड करेंगे। अब इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब इसे हमें 5 से 10 मिनट तक लो फ्लेम में पकाना है। लो फ्लेम में देखिए इसे हमें पकाना है 5 से 10 मिनट हो चुके हैं। चलिए चेक कर लेते हैं। ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा बैंगन मसाला बनके तैयार हो गया है। बैंगन भी बहुत अच्छे से गल चुका है। अब इसमें हरे धनिया डाल दीजिए। आप इसे रोटी चावल किसी के साथ भी खा सकते हैं, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसे ज़रूर ट्राई करिए बनाना, है ना इसे बनाना बहुत आसान, खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो अगर आपको मेरा ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।